कौन इज्जत का काम, हमारे काम में कौन है किसी की इज्जत, सारे नुई फिर कच्चा कच्चा बिना इज्जत के फिर हम तो थम बन जो इज्जत आड़े। पहला तो बिहार यहाँ गमछा सा पैर करा, दूसरा गमछे में रात ना टूल पर बैठे रहा गोरपा, यू फोन मकान से मदर कनु गमछे में बांध कर रखा है, इस पर बात कर दे रहा हूँ अपने घर के गेलो। क्या है तू घोर बवाला, ताही नाची के ताही गाई के ताही नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। ए हो भैया हो, राम राम भाई, सारे किसान भाई है ना, राम राम भाई सारे किसान भाई है ना। एक स्टार प्रचारक आप बीजेपी पा मनोज तिवारी, एक ले रहे किसान, किसान भी ले रहे, अगर बीजेपी सोदी ने मर मर पा मनोज तिवारी गाना गाया का बोट्टा ले लेगा तो हम गाना गाया का बोट्टा खो भी देंगे, वो भी दिखा देंगे, चलो टाइम आने पर किस तरह खो देंगे। और या जो इतम कहोगे ड्रामे कर रहा, फलाने कर रहा, डिगड़े कर रहा, तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो बहुत ड्रामे करा हुआ भी, कभी किंग जाकर सिंगाली फोटो देखूंगा मैं उसके अपने सिर पर ला लेंगे, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी किंग जाकर गुरुद्वारे में जाकर सरदारों की पगड़ी पहन लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। तो यहाँ ड्रामे अगर वोट लेने खातर उन पर करने आवा नहीं तो उन तो बड़े ड्रामेबाज किसान भी हैं जो हम अपने ड्रामे से सारा कुछ बता देंगे। बात हुई थी बिहार में कृषि कानून के लाभ आनी, तो सबसे पहले तो बिहार यहाँ गमछा सा पैर करा, दूसरा है गमछे में रात ना टूल पर बैठे रहो गोरपा, यू फोन मकान से मदर कनु गमछे में बांध कर रखा है, इस पर बात कर दे रहा हूँ अपने घर के गेलो, दो दो घंटे तीन तीन घंटे। उसके बाद जी इनके कमजोरी है माल्टा की बोतल और दो मुर्गे यहाँ पड़े भाई, यहाँ पापी पेट खातर खड़े पड़े, पापी पेट खातर यहाँ नील के फार्म पे थे, सीकरी तैयार है भाई, यहाँ कल आए थे, आज मंगलवार है, कल इनकी कुर्बानी दी जाएगी, कल है भैया लोग भी अपने सारे घर हो जाएंगे। ये बाजो बिहार की बात हो, बिहार में कृषि कानून के लाभ आनी हो राजा भैया में, तो भाई बिहार में 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना था, और यहाँ लंबड़दार सारे और बिहार ते उड़ा रहे, जीरे लाना रहे, काम करना रहे, ने प्रवासी मजदूर भी कहा, यहाँ सारे तला बैठे में, ऊपर बैठे में लाला जी हूँ, लाला जी तो था ना पता जैसा हूँ मैं, और लाला जी की कुर्सी भी देख लो कैसी है, तो कुर्सी दिखा दे भैया लाला जी कहते, तो इन्हें नू पता नहीं हमारे लाला जी को हम भी छोड़ो भाई, हम लाला जी नू पता, लाला जी की तो आपकी पट्टी पड़ी। दूसरी बात भैया के जो 2006 में कृषि कानून 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी, उड़ा कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कराया, 1990 से लेकर लालू की सरकार थी 2005 तक, 2005 में नीतीश आया था और 2021 तक इब बीजेपी की सरकार उठा, और जबकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था, नीतीश का पछवाड़े मिर्च लग गई तो बैठ गया था न छोड़ का, उन्होंने लालू के लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जब उसकी सीट आई थी नीतीश कुमार की 70, लालू की आई थी 80, तो इन गठबंधन करके सरकार बना ली थी, तो मोदी जी ने उस पर फोन कराया, डराया, धमकाया, भाई तने भीतर घेर देंगे, तने तने घोटाले कर रखे, फलाने कर रखे, डिगड़े कर रखे, अपना गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी में आ गया, तो सारा कुछ मेरे हिसाब से 18 महीने उसकी सरकार चलाई होगी ना, जो लालू का लड़का तेजस्वी यादव वो डीएफसी सीएम बनाया थे ना। तो उसके बाद बिहार में जो कृषि कानून है, मैं कह रहा जिसकी बात कर रहा हूँ, 2006 में लागू हुए थे, तो इसका यू मैटर है जो यहाँ लागू हुए थे नहीं उठा, आज उठा मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है पैक, पैक कंपनी जिसको हमने कहा था सामान पैक कर दे, पैक नाम की कंपनी है, उसका जी करा ले ला फसल किसान की, नहीं जी करा छोड़ दा, किसान अपने घरों इधर नहीं पड़ जा, मजबूरी है, जो वहां रेट तय करा चाहे वहां 2 में ले चाहे 10 में ले, वोटा कोई गारंटी खरीद कानून नहीं है, जो हमारे किसान हरियाणा के रो रहे, बिल्कुल सच्चे रो रहे, बिल्कुल सच्चे रो रहे हैं, और हम भी सच्चे रो रहे, बाकी कहीं भाई नू भी कहा ड्रामेबाजी कर रहे, फलाना कर रहे, डिगड़ा कर रहे, 4 साल 5 साल बाद हम मेरी वीडियो फेसबुक पे कैट का और दुआ खड़े मार मार कर रोए करो कोई मेरी फोटो उधर का भाई सही कहे था छोरा बैठे हो कुर्सी पर टेबल पर, तो जो मैं था ना बता लग रहे जो एक करना चाह रहे थम कह रहे हैं पंजाब में क्यों कानून तो सारे देश में लागू है वहां क्यों नहीं रोड़ा पा रहे, यहाँ बेचारे मरे पड़े दिखाई एक बार इनके कहने भाई यहाँ रोटी टुकड़ा कमावा केक रहा है अपना पेट पाला है रोजगार करा ये बुरा हुआ 10,000 रुपये ना बचेंगे एक महीना जीरे इलाका से हम आज भाई, तो ये भी अपना आंदोलन करेंगे क्या करेंगे, अगर कड़ी थोड़ा बहुत एमएसपी मिला तो हरियाणा पंजाब में मिला, पर यहाँ भी देख ले जीरी आएगी अक्टूबर में नाटक लग जाएंगे हम को नहीं खरीद दे, खरीद को नहीं आई, फलाना को नहीं आई, यूपी की जीरी उड़ा के बिकने लगेगी 1,000 रुपये 1,100 रुपये यूपी की जीरी ना लेवेंगे यहाँ, तो इब यूपी वाले के लिए समस्या सारे देश के लिए समस्या, सिर्फ हरियाणा पंजाब वाले ज्यादा रोड़ा नू पा रहे क्योंकि इन एमएसपी मिले करे थे आज तक, लड़बिड़ का रोर हुआ गया फिर भी 1950 जो जीरी का रेट है गेहूं का यहाँ ले करे थे, इब जो कानून लागू हो गए एमएसपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी जो अंदानी अंबानी की है वहां खरीदे करेंगे, उनका जी करेगा खरीदेंगे, नहीं जी करेगा जितने की उन्हें जरूरत होगी उतना खरीदे करेंगे। दूसरे इन कानून में दो चीजें नवी आई, पहली चीज तो आई भंडारण की, सब ने छूट मिल गई, पहला घंटा प्याज गेहूं आटा दाल कुछ भी हम स्टोर नहीं कर सके थे, ये भी स्टोर लगे करण सारी चीजें ना स्टोर लगे करण, तो स्टोर करने थे भी तेल की मैं रोन लग रहे भाई सिलेंडर बढ़ गया, तेल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, कम कर दो फलाना कर दो टिकड़ा कर दो, यहाँ हमारे हाथ में कोनी है, यहाँ तो ऊपर बैठे जो भाई विदेशी कंपनियां तय करना चाहे ऊपर के सिस्टम तय करा, हमारे हाथ में यू कंपनी तेल की कीमत कोनी है सरकार कह रही मारते जो, जबकि यही वो आदमी है
जो रामदेव उस टाइम छाती पिटते कर रहा था भाई 32 रुपये लीटर तेल लेना बीजेपी से वोटर दे दो, वोट दे दो 33 रुपये लीटर लेना बीजेपी से वोट दे दो। तो आज क्यों गया, आज तो 7 साल हो गए मतलब देश में बीजेपी की सरकार बने, आज क्यों नहीं तेल का रेट सस्ता कर दे। ईवीएम बता रहे कंपनियां तय करती है तेल डीजल के रेट, तो यही चीज कल ना अगर कानून लागू हो गए तो यही चीज नू की नू अन्न दल दाल इन पर मतलब दाल आटे पर सारी चीजें पर लागू हो जाएगी। यहाँ माना नू ही मिले करेंगे ब्लैक मा भाई, जिस तरह 150 रुपये किलो चून हो जाएगा, 100 रुपये किलो चून हो जाएगा, गेहूं हो जाएगी, सिरसम का तेल 200 रुपये पर जा लिया। तो यह सारी चीजें अगर आज हरियाणा में कुकड़ी का रेट 1850 रुपये पर किसी ने मिल रहा 1850 900 मिल रहे, इस पर हम कानून चाहवा अगर 1850 मिले हमारी, और अगर नहीं ले तो हम थारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे कानून में मतलब कोर्ट में जावेंगे, दरखास्त देवेंगे, थार पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, फाइन लगवाएंगे। इब सरकार कह रही भाई हम जबान देवा थारते या MSP रहेगी थी है और रहेगी, मोदी जी कह रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, पर पहला जो है ना सो जबाना कर रखी स्मृता ने उस टाइम सिलेंडर बदल छाती पिटे करे थी, आज सिलेंडर के रेट बढ़ रहे बोल दी भी नहीं, अक्षय कुमार दिखाया करे था, अनुपम खैर पेट्रोल के बारे में वीडियो दिखाया करे था, रविशंकर प्रसाद साइकिल चला के दिखाया करे था, स्वामीनाथन रिपोर्ट खतरा नील विज अंबाड़े थे कपड़े काट कोपीधन खड़े प्रदर्शन करे करे था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। आज इनकी सरकार आगे बोल दे तक नहीं, अगर कल MSP मरते नहीं दिया गया या तो चुपचाप बैठ जाएंगे, तो बैठ तो गए हैं, पहले ना सारे वादे करे थे भाई हम यू कर देंगे वो कर देंगे, मोदी जी खुद MSP पर गारंटी खरीद कानून बनवाने के 2011 में पूरे पक्ष में थे, आज बोल दे भी नहीं, लुक दे फिर चुप दे फिर, और कुछ ना कुछ आंदोलन का कुछ ना कुछ नहीं, पूरा 100% मोदी जी पर फर्क आ कानून का, इसका मतलब किसान आंदोलन का वो नुआ पहला युवा आया करा था थाली बुजवाया करा थाली बुझी एक बार भी ना थाली ताली बुजवाई बिल्कुल नहीं कोई भी काम कराया। दूसरा नंबर पे भी 21 तारीख का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, पहले ना पत्थर पर लिट का भी दिखाया, सारे ड्रामेबाजी करी, पर इस बार करे कुछ भी क्योंकि किसान आंदोलन तो मूछ पांदा फिर रहा और यू कर नहीं सकता कुछ भी, कह रहा यू आपकी मुकुल कौन फिर रहा महंगाई पर किसान आंदोलन पर सारी चीज जबा, पर सारे किसान यूनियन थे भारतीय किसान यूनियन थे किसान मोर्चा थे, एक अपील करना चाहूं मैं भाई मोदी मादी के पल्ला कुछ नहीं, ना तो बेचारे ना चाह बेची थी, आज गलती देना नारे नूरे से मारे था ड्रामेबाजी करके दिखाई थारी समझ में आई, तुम ड्रामेबाजी पसंद करो नू कौन थारी समझ मंदा कुछ भी ड्रामेबाजी करके मोदी की तरी थारे कोई कुछ चीज समझाओ नहीं थारी पूरी समझ में जा, था ना वोट दी था ना के दी भी मैंने भी दी सब ना दी मिलकर बनाया था भाई कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये मोदी जी के पल्ला कुछ नहीं है, हम गलत आंदोलन कर रहे बिल्कुल बीजेपी के गलत सिर हो रहे, बीजेपी का पंडा छोड़ दो, इस देश ना अगर था ना कोई बचा सका किसान ना, सिर्फ 3 आदमी बचा सका, नंबर 1 अंदानी, नंबर 2 अंबानी, नंबर 3 अडानी, ये 3 आदमी इनके जाकर पैर पकड़ ले इनका घर पूछ ले, मुंबई रहो महाराष्ट्र रहो गुजरात रहो कड़ा रहो आया इनके पैर में पड़ जो जाएगा, यहाँ बचा सका था ना भाई कहते हम तो गरीब आदमी है 250 की बनाना पारा 150 रुपए के पजामे पारा फटे मार पनिया कुछ भी मारी जमीन बख्श दे तो थम अंदानी अंबानी के तो पैर पकड़ोगे बच्चे जो मोदी मादी का पल्ला कुछ नहीं तो बिक रहा बेचारा यू कह रहा जज जा मंगा मैं दिया कभी उसके 800 करोड़ का जात दे रहे कभी पार्टी के खातर फंड दे रहे कभी तो संतन बना खातर 1000 करोड़ रुपया दे रहे तो यू बेचारा कह रहा है अभी तो बिके पड़ा इसके पल्ला है ही नहीं कुछ तरफ के रेट मिला है मारा लंबरदार है बिहार ते नाम बोल भाई पहला तो अपना जोर का बोल भाई के रेट उठा गेहूँ का इसका मतलब जीरी का के रेट है जीरी का तो 1100-1000 रुपए देता है बस 1100-1000 रुपए देता है मंडी का कोई व्यवस्था नहीं है नहीं जी करेगा खरीद लेगा नहीं जी करेगा नहीं खरीदेगा छोड़ देगा कुकड़ी लगाते हैं वहाँ कुकड़ी लगाते हैं वही 1000-1200 यही लेता है मतलब कुकड़ी का वो रेट है कुकड़ी वही देता है जो भी देता है कुकड़ी का वही रेट मिलेगा मतलब कोई ऐसा नहीं अगर तुम्हारा नई फसल खरीदेगा कहीं नहीं जा सकता आगे ज्यादा होता है मगर हम लोगों से कम रेट में लेता है तो आगे मतलब कितने में बेचो तुमसे कम मिलेगा कानून नहीं है MSP के ऊपर उरा भाई ये भाई इनकी रोटी देख लो तुम या रोटी तो इनकी लंबड़दार की मारे यार रोटी में गढ़ते पुआ गया ऐसे प्रणी पा तो यार रोटी इस्तेमाल भी कौन यार रोटी थाना भी खानी पड़ेगी क्योंकि गुजरात थाना जाना पड़ा या मिर्चा मेरे लिए रोटी में तो 4 घंटा था उस दिन इनकी रोटी में सूखी मिर्च आया भी तो वे भून रखी या रोटी मिर्च है इनकी बस तड़की की और कुछ नहीं है तो और जो यू सरकार गिरजा और सारा कुछ थम कहोगे 15 साल बिहार में सरकार बीजेपी से वोट क्यों देने लग रहे हैं लोग उसका मैटर मैंने थारे बता दिया ताला आया माल्टा की बोतल तेरी दिखा दे भाई यार 2 मुर्गे कड़ गए हैं दोनों तो यू मैटर है भाई दोनों के दोनों इसका मैटर है इससे सरकार बन जा और यहाँ लोग जो उर हरियाणा में भी यहाँ काम करा दारू के बदले पीछे के बदले वोट दे दा गरीब आदमी बिक भी जावा कई बार मजबूरी हो सोगर की सोचा चल अपना काम चला ले तो इनका खामियाजा हमारे बच्चे ने हमारी आने वाली पीढ़ी ने भुगतना पड़ेगा। और भाई दूसरी बात और बताना चाहूँ ना या जो या बोतल तो आ या तो रात ना मतलब थम भी आदत पाल इस चीज की जब गुजरात थम बिजनेस करने जा करोगे या बोतल तो पीने के लिए काम हो ये काट का बनाई जाओ ग्लास है इनका उठेगा या बोतल धोने के काम आई जाएगी तड़की पर धोने के काम ले जाएगी धोने वाली है पीने वाली है। उसके बाद भाई यो ये था ना इनकी की सिचुएशन दिखा दू क्योंकि कल आए भी यहाँ जो भी बैठे इरशाद इरफान मोमिन दिलसाद जो भी यहाँ बैठे उठेगे कल इसमें प्रवीण धीरा कवरा मिड्डा और सुनील
और के नाम लेकर इसका रामचंद्र रामकुमार शेर सिंह सारे अमा मोह होंगे यार। मैं इनका लंबड़दार होगा, मैं तो सारे गलो जानता को नहीं गुजरात, क्योंकि मैं दिन के गलो रेल में बैठ के अपना बैग सफर हूँ और बिहार जाकर चुनाव लड़ूंगा। कहीं अगर खाज हो रही तो राजनीति कर रहा है, वो चुनाव लड़ेगा जो मैं लड़ना पड़ गया नहीं बना देगा, मैंने पूरी आड़त बना रखी है ना। जिला समस्तीपुर कौन सा गाँव अपना मधेपुरा, ओडा अपनी सीट आ कोई चक्कर में तो ओडा बग जूंगा, मैं तो सारे खातर लड़ रहा, सारी समझ मान दियो ठीक है, नहीं आंदियो दियो जाओ गाड़ियाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी बात भाई यो था ना, दो चार चीजों और एक भाई उरे के सारे वह दिखा दूंगा था ना भाई, के पोजीशन हो रही किस तरह रहो आया किस तरह केक रहा। आजा भाई ये ट्रैली खड़ी भाई जी, एक नीलो खड़ी माँ मतलब बीजेपी का कुकर मुत्ता था, उस पर तो मैंने ट्रैली मांगी थी, उसकी पटकी थी ट्रैली, देने में ट्रैली नहीं दे सके था। स्वर्गीय श्री बबली सरपंच अंजन थड़ी, इन्होंने इनके परिवार की तरफ से मेरे पर ट्रैली आई, इनके बच्चे थे भगवान लंबी उम्र देवा, क्योंकि यह ट्रैली किसान ने तो पानी पियाने खातर मैंने मांगी थी और आज भी इस ट्रैली का मैं अपने ट्यूल पर भी यूज कर रहा, जगह जगह मेरे काम आ रही, मैं सच्चा रहूं था मैंने ट्रैली की वाक्य में जरूरत थी और वह क्यों थी वो भी दिखा दूंगा। बच्चे लाओ ना फोन, यूच बच्चा भाई 20 बिहारी मेरे ट्यूल पर हुआ, यूच बच्चे देख ले इसमें कितना पानी आ, इसमें नहाना भी पड़ा पीना पड़ा सब्जी बनानी पड़ा, इसमें पूरा को नहीं पड़ता और ऊपर तेज दुखोड़ियां थी थोड़ी थोड़ी फिर दिखा भाई उन्होंने अंपने इस पेड़ पे थोड़ी थोड़ी दुखोड़ियां चढ़ रही है नी, तो वो सारी किसी बच्चे में गिर जाए पानी खराब हो जाए पीने के लायक रंधा को नहीं आ, तो इस करके मैं ट्रैली भर का खड़ी कर रखी, क्योंकि सामने जीरी इलाका हो गारे में दशहरा में भी गच्ची इलाका आया पाड़े काट का आया और उसका सबूत यू दे दूंगा भाई, ये फुलके देख लिया आत्मा कहीं कहते कहीं ड्रामेबाजी कर रहे हैं, फुलके कसी चला चला कर पड़ जाकर जिम्मेदार के आत्मा। तो इब मैं मिनो पूरा बिजी चल रहा, मिनो और बिजी रहूंगा, अगस्त में मोदी जी मन की बात करा किसान के मन की बात करा करूंगा, अगस्त हर संडे तड़के 8 बजे लाइव आ करूंगा, अगस्त या सितंबर था ना बता दूंगा एक बार लाइव आगा, हर बार किसान का कोई ना कोई मुद्दा, मेरे देश में 28 राज्य है, हर एक राज्य की समस्या चाहे किसी की भी सरकार हो हमने कोई मतलब नहीं अच्छा कांग्रेस की कोई बीजेपी की, कांग्रेस ने हमारे खतरा तक कुछ नहीं कराया। और सुन लो कांग्रेस से याद आया प्रियंका गांधी ई बात शाम मोड़ा प्रचार करने गई थी, चौ की पत्ती पीछे टोकरी बांध रखी, चौ की पत्ती तोड़ के दिखाने लग रही और भाई मैं चौ तोड़ दूंगी पत्ती तोड़ ई भी नहीं जानती उठा जी, वोट लेनी थी ड्रामेबाजी करनी थी, प्रियंका गांधी जी जो उनसे आपके पति ने रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा हमारी जमीन कोसी थी उसमें जीरी ला ली, उसमें ला लो ना चा की पत्ती, जीरी लानी है उसमें प्यार बासमती, उसमें चा की पत्ती लाओ रहा चूंट लग रहा नोटा शाम जारी वोट लाने के मारे उठा नाटक कर रही। तो भाई ये दूसरा नंबर पे इनका मैं अपना कमरा दिखाऊंगा रहने का भाई, भाई यू कमरा पूरा रहने का, वो पल्ली पड़ी वो मच्छरदानी है सारे इसमें सबके कपड़े दिखा दे बैग दिखा दे भाई, वह सब्जी पड़ी थोड़ी बहुत भाई आलू गंठा प्याज जो भी लफापे में बंदे दे रहे नमक दे रहे, तो टीवी दे रहा भाई चलता को नहीं मैंने तो दिया था ठीक को नहीं, तो वो बैग टंग रहे सारे खुटिया पा, या पोजीशन थारी होगी हम कल गुजरात में जाओगे थारी पोजीशन आई बुरा लिया भाई। तो भाई यो यह पैड़ी ऊपर चढ़न की इसमें मच्छरदानी लाकर सोवा श्याम यहाँ भाई, इसमें मच्छरदानी लाकर सोवा, इस पर पहले पहनते पे तो बैठा एक कुत्ता बैठा इसमें साइड में, पहले पंते पर तो कुत्ता बैठा जो था नबता हुआ खालिस्तानी, दूसरे नंबर पर जो पंता इस पर कुत्ता बैठा वो बता हुआ देशद्रोही, तीसरे नंबर पर बैठा होगा चीन ते फंडिंग हरी, चौथे नंबर पर जो उनसे कुत्ता बैठा होगा वेगा अभी तो किसान असली को नहीं आया, जो उनसे बॉर्डर बैठा तो नकली असली किसान तो घर हो, तो ये सारे कुत्ते तक पंते पर बैठे हैं और जो इन कुत्ते के चक्र में पड़ोगे इनते उलझोगे, चाहे कमेंट में ला लो चाहे फेसबुक पर ला लो चाहे मोबाइल पर ला लो, हम अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते था ना, दूर कोठे पर जाना इनमें जब मार का दूर तक कोठे पकड़ नहीं सकता, प्रदेश सीधी मंडेरा पकड़ लूंगा पहाड़ी भी नहीं चढ़ना पड़ेगा मना, तो यहाँ सारे कुत्ते इनके मान नमू नहीं लगना, यहाँ मान हमारे मकसद भंग करना भटकाना चाहा। तो जो महाभारत थी उसमें साफ बताया था कि भाई मछली के आंख पर निशाना रखना था अर्जुन, महाराज निशाना मछली के आंख पर रहना चाहिए, कि कृषि कानून वापिस लो, MSP पे गारंटी खरीद कानून बनाया जाए, यहाँ दो चीज हमारी मांग पूरी हो जाएंगी, बेकार उसका आंदोलन यू आंदोलन कोई और एजेंडा चला रहे, जिस दिन ये दोनों मांगा मान ली जाएंगी दोनों भी छोटो सिरम MSP पर गारंटी खरीद कानून बना दो तो हम जिब भी आंदोलन खत्म करना तैयार है, जो उठा बैठेगा वो कसूरवार उसका सजा हम अपने आप दे दियो, जो भी किसी का और कोई मकसद हो, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ MSP पर गारंटी खरीद कानून, इसके सारी समस्या का हल हुआ और मोदी जी जान के नहीं कर रहे काम, पता क्यों नहीं कर रहे, वो नू नहीं कर रहे क्योंकि ना पता MSP पर गारंटी खरीद कानून बना दिया नहीं, तो कल हम मतलब कल या केस करने योग्य हो जाएंगे, हमारे पास कर देंगे, कांग्रेस की भी यही इच्छा, विपक्ष जो इब बार बार वॉकआउट कर रहे हैं संसद में थे, इस पर कोई भी अपना स्पष्ट रुख नहीं कर रहा, उसकी भी इच्छा यही है भाई कानून मोदी जी लागू करना और किसानों ने रोड़े पा रखे लोग तो परेशान होकर कल कांग्रेस से वोट देवेंगे यार हमारी सरकार आ जाएगी यार हम मलाई खा लेंगे, और यहाँ कानून जो आज मोदी जी लागू करने लग रहे बदनामी मोदी जी ठाक हमारी सरकार ले आवेंगे, फायदा उठा देंगे इनका, हम सारी सारी सियासत समझा इब के जो 26 तारीख तक स्तर शुरू होने लग रहा 20 तारीख 25 तारीख तक जाते भी किसान 200 किसान संसद
संसद के अंदर धरना प्रदर्शन करे करेंगे डेली, तो उनका संसद का स्तर सुनेगा। और विपक्ष से भी खास दरखास्त करने लग रहे हैं, अपना रुख स्पष्ट करें भाई, हमारे साथ आगे अगर राजनीति कर रहे थम भी, यहाँ थम सोदोंगे किसान आंदोलन कांग्रेस ने करवा रखा, ने भाई मार पानी किसी ने भी आंदोलन करवा रखा, अपनी मर्जी से कर रखा। और कांग्रेस से भी स्पेस निवेदन करना चाहते, विपक्ष से करना चाह रहे पूरे, तो अपना रुख स्पष्ट करियो, तुम वॉकआउट कर का जो संसद में दे भाई, जो वहां चाहेंगे वही पास कर लेंगे पीछे दे, और मारी मलाई खाना मिल जाएगा, हमने बोलना नहीं पड़ा था, मोड़ा जाकर जवाब दे उन्होंने पूछो ना। और गुणी प्रकाश जो हमारे बुजुर्ग भी हैं और किसान यूनियन पहला काम करेगा, गुणाम चुड़ निराकेश टिकैत जी के साथ हमारे गुरु हैं दोनों बेहर, गुणी प्रकाश भी हमारे गुरु, अपने गुरु ही कहूंगा उनको भी। और आजकल किसान यूनियन के खिलाफ बोल रहे, चुड़ुन्नी के खिलाफ बोल रहे, निराकेश टिकैत के खिलाफ बोल रहे, गुणी प्रकाश जी तीनों कानून ना लेकर मैं आपके गलो खुली बहस करना तैयार हूँ, कमल मिड्डे पा जी, आई बी एन 24 पा जी, सिर्फ दो चैनल पा इन्हें भी छोड़ दे, अपना कोई चैनल हो बहस करना तैयार हूँ आपके साथ में, कृषि कानून ना लेकर मेरे गलो बहस कर लो, किस तरह हमारे फायदे कानून बता दो, और कहीं आंदोलन हो भी बैठ का समझा दूंगा अपना, हर एक के मुंह नहीं लगाया जाता। मेरे अंकल आप बुजुर्ग हो, आपकी पूरी रिस्पेक्ट है, पर यूनियन के खिलाफ अगर आपने किसी भी वजह से समर्थन वापस ले लिया, आप खिलाफ बोल रहे हो तो किसी भी वजह से ले लियो, तो आप घर बैठो, अगर आपके बस की नहीं आ, लड़ाई लंबी चलेगी। और इप भाई यो इप बता देगा भाई कितने पैसे कमाए, तुम बताओगे भाई एक महीने में कितने पैसे कमाए हो रहा, एक महीने हो गया था ना मेरे अलावा, कितना 15,000 एक बंदे का, 15,000 रुपए एक बंदे के बंडे में आया, जो आज से आप होया कल ना सान अपने घरों जाएंगे, तो 15,000 रुपए एक बंदे का है ना, पूजम भी जीरी लाई, रैपर भी लाई, जो भी जिम्मेदार आस पड़ास में मेरा जानकार था, पैसे की जिम्मेवारी मैंने ले ली, मगर दे देंगे पैसे, अच्छा आदमी है, तेना जीरी लाई आ जाएगा। तो ये 15,000 रुपए एक बंदे के बंडे में आ रहे, तो मैं कहना चाह रहा भाई ये 15,000 मां इनमें कहीं जाकत के नवा नवा खून भी हो दे, फोन दे रहे हमें एक, तुम कहोगे भाई फोन तो 7-8 हज़ार का दे, फोन ही अंध हो गए, महीने में कमा के अपना घर भी चलाना, सारे काम करने पर चो आ जाते। तो यार रेल का जो टिकट आने जाने का और खाने का, सिरसम के तेल में छोंक लावा 200 रुपए किलो है ना तेल मिल रहा है इस टाइम सिरसम का, नैन पक्की अब चार चाह खातर भी लोग दूध कौन देंगे, क्योंकि लोगों का दूध अब पीने नहीं तक देवेंगे। हाँ तो कहने का मतलब यो भाई यो जो यू पोजिशन मन थार ते दिखाई है, सारे बिहार की दिखाई है, और यू कोठा मैंने स्पेशल बना रखा हूँ ना लिया भाई, इसमें स्टार्टर मना कभी बिजली बुजली पकड़ लेना, भीतर बाहर सारा न्यारा कर रखा सिस्टम, भीतर इनके सिर्फ सोन का। तो यह पोजीशन बिहार किया, हर एक राज्य की समस्या था ना दिखाऊंगा, मोदी जी ने भी किस तरह चाह बेची, किंग उसका खोखा था कौन सा, उन्होंने बेचारे ने एक पल गमछा पड़े उसका, उसका यूए यूए गमछा था मोदी जी का, ये वो बेचारा चाह बेच करे था, एक पटाक अच्छा था खाकी, उन्होंने देख रखा था कुछ, वो बेचारा जज मैं दियो केक रहो बिग्ञ उनके हाथों, बेचारा अंदानी अंबानी के पैर पकड़ने ना कि बीजेपी आएंगे, इनके पल्ला कौन है कुछ भी, इनकी कौन चलती बेचारे की, इनके पल्ला कुछ है, वही टाकरा मार रहे फालतू बत्ती में, इनके कह लो अब प्रोग्राम नहीं होने देंगे, इनका नू नहीं होने देंगे, हाई नहीं इनके पल्ला कुछ क्या करेंगे बेचारे, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं, कंपनी के हाथ में देश जा लिया, पहला गोरे अंग्रेज ने राज करा था हमारे 1947 से पहला, और इब काले अंग्रेज राज लग रहे करने, काले अंग्रेज या बीजेपी वाले नहीं है, अंदानी अंबानी है, जो आ गया बोड़ के वहां गुलाम करण मार पर पोचा मरवाण मार पर दिहाड़ी करवाण, और समझो समझियो नहीं समझियो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है जागरूक करना, वो हो गए जब ठीक है ना, ये हो गए जब ठीक है, कहता राजनीति कर रहे मणक माजरे मात तक कोई ब्लॉक समिति का मेंबर तक नहीं बनया, जिला परिषद तो बहुत दूर की बात, और मान ले तो सपने में भी नहीं सोचियो, सिर्फ सरपंच सरपंच तक सीमित, हम तो सरपंच बना बनूंगा अपना उरी खुश हो जा, इस त्याग ना मानना सोचा ना मारियो कहा था, इस त्याग जाने की पूरे मणक माजरे की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात भाई कहीं भाई नू भी कहता कमेंट मांग भाई तेरी कौन इज्जत काम, हमारे काम में कौन है किसी की इज्जत, सारे नु फिर कच्चा कच्चा बिना इज्जत के, फिर हम तो थम बन जो इज्जत आए, और फोन करके मेरे से बता दिया कोई मड़क माजरे में किसी की इज्जत, मेरे पे फोन करके बता दिया उस आदमी की इज्जत, इज्जत उज्जत को नहीं, हम तो नु ही सारे के सारे नु ही, हमारे पे तो नहीं थम डोके ले, ठीक है नहीं, हम तो सिर्फ मम तो गए थारे खातर लड़ रहे, सारा गांव लड़ रहा, मेरा मेरे गिल्लो खड़ा आंदोलन में जिंगा मना जूर, तो 5-10 जाकत को बग भी जाऊँ भाई, यारे प्यारे अपने जो मित्र प्यारे हैं उसमें प्रवीण धीरा मिड्डा किसी ने भी ला लो, सारे के सारे अपने पूरा सपोर्ट कर रहे, पूरा सहयोग आंदोलन में, और इब भी मारे खेत में भाई आपने पता भाई 1 घंटे में पानी फेरना पड़े 1 किले में, क्योंकि अल्ले अल्ले रखने खेत बिजली था ना पता 8 घंटे में डा टूलपा, और ये जो ट्रैली वाली समस्या बताई थी मैंने 8 घंटे बिजली आवा टूलपा खेत वाली, उस करके इस बच्चे में अंधेरे में बैठना पड़े ना, ना तो टूलपा बिजली आ गांव में तो मिले आया था डोरी गेर का बिजली आ गए थे, तो मैंने वो छोड़ दिया था काम, मगर ठीक होती बैठ लगे तुम 8 घंटे में एक लट्टू बड़ा बड़े ऊपर दिखाइए भाई लट्टू बिठा देते, तो यू जो पानी है पानी की समस्या है, और इसी करके ट्रैली खड़ी कर रखी क्योंकि बिजली बारिश वेरी हवा एक बच्चे में इतने का पूरा कौन पड़ता, ठीक है राम राम भाई सारे भाई है ना जल्द मिलेंगे दोबारा।